हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा कि घर से बाहर निकलते ही लोगों के चेहरे पर अलग अलग तरह के मास्क दिखते हैं और ये मास्क जरूरत कम फैशन स्टेटमेंट ज़्यादा लग रहा है। बट इन सब के बीच एक सबसे बड़ा सवाल, कौन सा है वो मास्क जो बचा सकता है हमारी जान? और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जान बचाने के लिए लगाया गया मास्क कहीं हमारी जान ही ले ले? हाँ दोस्तों, हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां मास्क लगाने वाले व्यक्ति की जान पर बन आई और कुछ लोगों को तो जान से भी हाथ धोना पड़ा। आइए हम आपको बताते हैं कि वैज्ञानिक तौर पर इसका क्या आधार है और कैसे एक मास्क जानलेवा हो सकता है। एक न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार बीजिंग में एक व्यक्ति मास्क लगाकर 2.5 मील दौड़ा और उसकी जान चली गई। कुछ बच्चों की जिम क्लास में जान चली गई। इन रिपोर्ट्स में कहा गया कि व्यक्ति के फेफड़े फट गए थे, पर वास्तव में हम आपको बताते हैं फेफड़े फटते नहीं हैं, फेफड़ों में हो जाता है नेगेटिव प्रेशर पल्मोनरी एडीमा, जिसका कारण है कि फेफड़ों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाना। इसी स्थिति को हाइपरकैपनिया कहते हैं और ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति उन मास्क को पहनकर दौड़ते हैं या एक्सरसाइज करते हैं जिनमें ऑक्सीजन का एक्सचेंज ठीक से नहीं हो पाता और उनके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इससे फेफड़ों में पानी भर जाता है और यह स्थिति बन जाती है। उदाहरण के तौर पर N95 मास्क पहनकर दौड़ने से ये अवस्था उत्पन्न हो जाती है। N95 मास्क केवल डॉक्टर्स, हॉस्पिटल वर्कर्स, नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ्स को ही पहनना चाहिए और ये बेहतर होगा कि उसमें रेस्पिरेटरी वॉल्व हो जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने का खतरा ना हो। N95 मास्क महंगा आता है और लोग अपना सोशल स्टेटस दिखाने के उद्देश्य से N95 मास्क पहनकर घूमना फिरना पसंद करते हैं। अब आपको बताते हैं कि मास्क कितने तरह के होते हैं और किस व्यक्ति को किस तरह का मास्क पहनना चाहिए। बाजार में उपलब्ध मास्क मूल रूप से 4 प्रकार के होते हैं, सिंगल लेयर मास्क, ट्रिपल लेयर मास्क, 6 लेयर मास्क एंड N95 मास्क। सिंगल लेयर मास्क, यह मास्क केवल बड़ी ड्रॉपलेट्स को रोकता है, फाइन ड्रॉपलेट्स को ये नहीं रोक सकता। ट्रिपल लेयर मास्क यह सिंगल लेयर मास्क से थोड़ा बेहतर होता है, इसमें 3 परतें होती हैं। सभी लोगों को अधिकतर ट्रिपल लेयर मास्क का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये कुछ ज़्यादा महंगा भी नहीं होता और इसकी कीमत लगभग 15 से 50 रुपये तक की होती है। अगला है 6 लेयर मास्क। यह मास्क आमतौर पर प्रदूषण को रोकने के लिए ज़रूरत में लाया जाता था, पर अब ये कोरोना में भी यूज़ किया जा रहा है। और लास्ट N95 मास्क, यह मास्क सबसे महंगा है और इसे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस उन लोगों में ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। अगर आप कोरोना से संक्रमित नहीं हैं और कोई भीड़ भाड़ वाली इलाके में नहीं जा रहे हैं तो सबसे बेहतर होगा कि आप घर में बना हुआ मास्क पहने या फिर रुमाल से भी आप अपना चेहरा बांध सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मास्क पहन लेने से आप पूरी तरह सुरक्षित हैं तो यह एक भ्रांति मात्र है, क्योंकि वायरस हवा से कहीं ज़्यादा चीज़ों की सतह पर पाया जाता है। पर इसका ये मतलब नहीं कि आप मास्क ना पहने। कोरोना वायरस का साइज 0.125 माइक्रोन है और मास्क का उद्देश्य कोरोना वायरस को रोकने में भले ही सफल ना हो, पर इसको फैलने से रोकने में बहुत महत्वपूर्ण है। यह कोरोना वायरस बड़ा स्वाभिमानी है, ये कभी हमारे घर खुद नहीं आता, हमें ही इसको लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो इस बीमारी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग, दूरी बनाए रखें। इस पूरी जानकारी का सार यही है कि N95 मास्क सभी के लिए ज़रूरी नहीं है। यह मास्क केवल डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, हॉस्पिटल स्टाफ या वो लोग जो कोरोना से संक्रमित हैं या उनके लिए हैं। बाकी आप लोगों को या तो ट्रिपल लेयर मास्क यूज़ करना है या घर पर बना हुआ कपड़े का मास्क यूज़ करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।